हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं एमएम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रोबोट्स को लेकर। रोबोट्स कितने प्रकार के होते हैं और किन टाइप के रोबोट्स को किन टाइप के काम में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पर उससे पहले आपको ये बता दूं, रोबोट्स को हम लोग फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। फिलहाल तो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, पर उसके बावजूद फ्यूचर में और ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाएंगे, क्योंकि रोबोट्स जो हैं हमसे ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं काम करने के लिए, हमसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। और इनको सोने के लिए समय नहीं चाहिए होता है, खाने के लिए समय नहीं चाहिए होता है, रेस्ट लेने के लिए समय नहीं चाहिए होता है। इनको जितने टाइम तक आप एनर्जी देते रहें और कमांड देते रहें, उतने टाइम तक ये काम कर सकते हैं। इसलिए रोबोट्स को फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी बोला जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादातर रोबोट्स को इस्तेमाल में लाया जाएगा। उसके बावजूद और एक चीज आपको बता देता हूँ, रोबोट्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर फिलहाल हम लोग क्या समझते हैं रोबोट्स का मतलब ये है जो कि इंसानों के जैसे दिखते हैं, इंसानों के जैसे काम कर सकते हैं या इंसानों के जैसे बिहेव कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को रोबोट्स नहीं बोला जाता है। उसके बावजूद रोबोट्स और भी बहुत प्रकार के होते हैं, पर फिलहाल हम लोग इस वीडियो में 5 प्रकार के इंपॉर्टेंट रोबोट्स के विषय में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रोबोट्स को आप क्या समझते हैं? रोबोट्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ इंसानों के जैसे दिखने वाले मशीन को रोबोट्स नहीं बोला जाता। उसके बावजूद और भी बहुत प्रकार के रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स किस टाइप के डिजाइन किए जाते हैं? बहुत टाइप के टेक्नोलॉजी को और बहुत टाइप के साइंस को इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स को बनाए जाते हैं। सबसे पहले हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इसके बॉडी को डिजाइन किया जाता है। उसके बाद इसको एनर्जी सप्लाई दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, क्योंकि इसको बैटरी में बैकअप चाहिए होगा, इसको चार्ज चाहिए होगा। ये एनर्जी जो सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके अंदर जो सर्किट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं जिसके सर्किट के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। उसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मेन पार्ट होता है रोबोट्स का। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना रोबोट्स को कभी आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोडिंग दिए जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के स्पेसिफिक काम के लिए इस टाइप के कोडिंग वहाँ पे होता है। पकड़ लीजिए, एक फैक्ट्री में एक रोबोट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो वहाँ पे कोडिंग दिया जाता है, उस टाइप के कोडिंग दिया जाता है जो कि वहाँ पे काम में लाए जाएंगे। पकड़ लीजिए, इस टाइप का हाथ ऐसे घुमाया, फिर यहाँ पे लाया, यहाँ पे टच किया, तो इस टाइप के वहाँ पे कोडिंग होते हैं। जिस टाइप के आप कोडिंग देंगे पूरा एक्यूरेसी के साथ और बेहद ही कम समय में, बेहद ही जल्दी, बहुत स्पीड के साथ ये काम में लाए जाते हैं और बहुत जल्दी ही ये काम निभा लेते हैं बहुत कम समय में। इसको बोला जाता है रोबोट्स। रोबोट्स जो होते हैं एक मशीन है और बहुत कम समय में और ह्यूमन से अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, और इसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जा रहा है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाएंगे। और लोगों को तो लग्जरी लाइफ चाहिए ना, लोग मशीन से काम निभाएंगे और अपने जो हैं वो खुद जो होते हैं लग्जरी लाइफ मेंटेन करेंगे, इसलिए इसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा। दोस्तों, अब मुद्दे पे आते हैं। रोबोट्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें से 5 रोबोट्स के विषय में आज बात करेंगे। सबसे पहला हो गया प्री प्रोग्राम रोबोट्स। दोस्तों, प्री प्रोग्राम रोबोट को आप क्या समझते हैं? प्री प्रोग्राम मतलब इसमें प्रोग्रामिंग पहले से ही डाल दिया जाता है। एक स्पेसिफिक काम जो होता है उसके खातिर वहाँ पे वैसे ही प्रोग्रामिंग किया जाता है, जो कि वही स्पेसिफिक काम उसमें निभा पाए और बेहद अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में और एक्यूरेसी के साथ। तो दोस्तों, इनको बोला जाता है प्री प्रोग्राम रोबोट्स। इनका एक आर्म होता है एक हाथ के जैसे, जिस तरह से आप कार के फैक्ट्री में देखे होंगे, डिस्कवरी में कभी देखे होंगे, कार के जो फैक्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वहाँ पे एक एक पार्ट्स को एक एक स्पेसिफिक रोबोट्स वहाँ पे लगे होते हैं। जिस टाइप के यहाँ से एक पार्ट्स उठाए, लाके यहाँ पे टच कर दिए, लगा दिए, कोई स्क्रू टाइट करता रहता है तो कोई कॉलर करता रहता है, कोई इंजन को लेके वहाँ सेट करता रहता है। इन टाइप के रोबोट्स मैक्सिमम यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइप के काम होते हैं, सब तो इंसानों के जैसे पॉसिबल नहीं होगा। एक कार अगर मैन्युफैक्चरिंग किया जाए तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए अगर वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा स्पेसिफिक काम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, जब कार का बॉडी डिज़ाइन हो गया, उसके बाद इसमें कॉलर किया जाता है, स्प्रे किया जाता है एक रोबोट के जरिए से, उसके बाद इसका डोर वहाँ पे लॉक लगाया जाता है रोबोट्स के जरिए से, इंजन को सेट किया जाता है रोबोट्स के जरिए से, फाइनल निकलने तक रोबोट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, कांच फिटिंग किया जाता है, सारा चीज़ लगाया जाता है रोबोट्स में, और ये बेहद अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं बहुत कम समय में, हाई स्पीड के साथ और बिना रुके हुए। तो इन टाइप के रोबोट्स में एक खासियत होते हैं। सेकंड है ह्यूमैनॉइड रोबोट्स। दोस्तों, ह्यूमैनॉइड रोबोट्स का मतलब ये है जो कि इंसानों के जैसे बिहेव करते हैं, इंसानों के जैसे दिखते हैं, इंसानों के जैसे काम करते हैं या इंसानों के जैसे सोच भी सकते हैं। बस फर्क इतना है, वो मशीन है और हम इंसान हैं, बस इतना ही फर्क है। उनके अंदर खून नहीं होती है, उनके अंदर सर्किट होता है,
बस इतना ही फर्क होता है, नहीं तो बिल्कुल इंसानों के जैसे बैठ सकते हैं, इंसानों के जैसे खड़े हो सकते हैं, इंसानों के जैसे लेट सकते हैं, सारा चीज इंसानों के जैसे ही कर सकते हैं। इनको बोला जाता है ह्यूमेनॉइड रोबोट्स। इन टाइप के रोबोट्स को बहुत टाइप के चीजों में इस्तेमाल में लाया जाता है, होटलों में, जिस तरह से होटलों में एक जगह से दूसरे जगह तक फूड आइटम को पहुंचाना हो तो इनके जरिए से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इनके फेस जो एक्सप्रेशन होते हैं इंसानों के जैसे होते हैं, ये उनसे बात भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी दिखा सकते हैं इंसानों के जैसे, और इनको रिसेप्शन में भी बैठा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए होता है, लोगों के साथ बात करनी होती है, उसी हिसाब से इनको प्रोग्रामिंग दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, इन लोग को ऑलरेडी रिसेप्शन में भी बैठाया जाता है। इन टाइप के रोबोट्स में दो ब्राइट एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले तो हो गया हैंसन रोबोटिक्स से बनाए गए एक रोबोट जिसका नाम है सोफिया, उसके विषय में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि बिल्कुल इंसानों के जैसे सोच सकती है, इंसानों के जैसे काम कर सकती है, या इंसानों के जैसे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकती है, बिल्कुल इंसानों के जैसे एक्सप्रेशन भी होता है, जो कि सोफिया नाम की एक रोबोट जिसको बनाया है हैंसन रोबोटिक्स। और दूसरा है बोस्टन डायनामिक, जो कि आटलस नाम का एक रोबोट को डिजाइन किया है, ये बिल्कुल इंसानों के जैसे बिहेव, इंसानों के जैसे काम, इंसानों के जैसे दिखते हैं। ये बिल्कुल दो ब्राइट एग्जांपल हैं, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, बेहद ही अच्छे तरीके से इंसानों के जैसे काम कर लेते हैं। थर्ड है ऑटोनोमस रोबोट्स। दोस्तों ऑटोनोमस रोबोट से आप समझ चुके होंगे, इनको इंसानों के जरिए से कमांडिंग या कोई गाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद काम कर लेते हैं, इसमें पहले से प्रोग्रामिंग दिए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से, जो कि स्पेसिफिक काम करने के लिए पकड़ लीजिए बाहरी क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं पे फिक्स अप होकर रहते नहीं है। इसका ब्राइट एग्जांपल है रूम्बा वैक्यूम क्लीनर्स। दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर है, इन जनरली वैक्यूम क्लीनर को ऑपरेट करनी होती है, पर जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है रूम्बा नाम की, इसमें कमांडिंग पहले से दिए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इनको पहले से पकड़ लीजिए, एक रूम में रूम्बा वैक्यूम क्लीनर लगा है, वहां पे कोई कचरा अगर है तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो सेंसर लगे हैं उसको ऑलरेडी सेंस कर लेते हैं, सेंस करने के बाद वहां से खींच लेते हैं, बाहर में लगा के एग्जिट कर लेते हैं। तो इनमें एक खासियत होती है, ऑटोमेटिकली ये सेंस करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, ऑपरेशन में आते हैं और काम को निभा लेते हैं, पर इनको कमांडिंग की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कोई बाहर से कोई वायरलेसली कंट्रोलिंग करने की या फिर गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ है टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। दोस्तों टेली ऑपरेटेड रोबोट्स जो है, इनको इंसानों के जरिए से ऑपरेशन करना होता है, अगर ये वायरलेसली हो गया या फिर कोई भी जरिए से रिमोटली हो गया, आप उसको कमांड देंगे, जिस टाइप से उसको काम देंगे उसी हिसाब से काम निभाएंगे। दोस्तों इनको बेसिकली इस्तेमाल में लाया जाता है सेफ्टी परपोज के लिए। पकड़ लीजिए इंसान को जहाँ पे खतरा हो, कोई मशीनरी प्लांट में या फिर कोई रिसर्च करते हुए कोई अगर एक्सप्लोजन वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे इंसान अगर होते हैं तो इंसानों का लाइफ के लिए खतरा होता है, तो उसी क्षेत्र में इन टाइप के रोबोट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबमरीन, सबमरीन में जो कहीं पे पाइप अगर लीकेज होता है तो इंसान उतने नीचे जाके पानी के अंदर कैसे उसको रिपेयर कर सके, तो इन टाइप के रोबोट्स वहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बैटलफील्ड में लैंडमाइंस को डिटेक्ट करना, मतलब ड्रोन के जरिए से लैंडमाइंस कहाँ कहाँ पे हैं उनको डिटेक्ट करना, क्योंकि बैटलफील्ड में जो होता है टैंकों के लिए लैंडमाइंस अगर वहाँ पे बिछा दी गई हो तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है, वहाँ पे टैंकों को खतरा हो सकता है, इसलिए इस टाइप के रोबोट्स जो होते हैं इनको इस्तेमाल में लाया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, कहाँ पे लैंडमाइंस लगे हुए हैं, कहाँ पे लैंडमाइंस मौजूद है, उससे ये डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद जो होता है इसका प्रक्रिया उसको किया जाता है। इन टाइप के रोबोट्स जो होते हैं बेसिकली यूज किया जाता है सेफ्टी परपोज के लिए। इन टाइप के रोबोट जो होते हैं बेसिकली इस्तेमाल में लाया जाता है सेफ्टी परपोज के लिए, जहाँ पे इंसानों को खतरा हो वहाँ पे इन टाइप के रोबोट्स को इस्तेमाल में लाए जाएंगे, बाहर से इसको ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें हो, वहाँ पे कोई भी अगर खतरा हो तो वहाँ पे इंसानों का जान को बचाया जा सकता है। एक रोबोट को खतरा हो सकता है, रोबोट्स तो हम बहुत ही बना लेंगे पर एक इंसानों को लाइफ को हम दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए इस टाइप के रोबोट्स को वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों पांचवा और आखिरी रोबोट जो है ऑगमेंटिंग रोबोटिक्स। ऑगमेंटिंग रोबोटिक्स जो है ये बिल्कुल अभी हेल्पफुल है, डे टू डे लाइफ में अभी ज़रूरत है बिल्कुल, जो कि डिसेबल इंसान होते हैं। इन जनरली एक डिसेबल इंसान जिसका हाथ यहाँ से नहीं है, वहाँ पे रोबोट हैंड एक लगा दिया जाएगा, मतलब जो कि इंसानों के हाथ के जैसे वो काम फंक्शन कर सके, इसको बोला जाता है ये जो हाथ है, ये हाथ जो हो गया ये ऑगमेंटिंग हैंड हो गया, ऑगमेंटिंग हैंड रोबोट इसको बोल सकते हैं। उसके बाद पकड़ लीजिए एक डिसेबल पर्सन है जिसका पैर नहीं है, उसी हिसाब से ऑगमेंटिंग रोबोट पैर एक वहाँ पे लगा दिया जाता है, जो कि एक पैर जो कि नेचुरल पैर के जैसे वो काम कर सके, एक रोबोट पैर, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटिंग रोबोटिक्स। ये अलग रोबोट नहीं होता है, ये आपका बॉडी का कोई एक पार्ट होता है। पकड़ लीजिए यहाँ पे आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई रोबोट हाथ या रोबोट पैर वहाँ पे लगा दिए, एक डिसेबल इंसान के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, ये बिल्कुल डे टू डे लाइफ में अभी ज़रूरत है, बहुत जो कि डिसेबल पर्सन है उनके लिए हेल्पफुल है, एक डिसेबल पर्सन को एबल पर्सन बनाने के लिए ये बेहद ही ज़रूरी है ऑगमेंटिंग रोबोटिक्स। तो दोस्तों इसका ज़रूरी है कि नहीं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ
इस पांच रोबोटिक्स के विषय में आप बेहद तरीके से अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।